हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि सी लैंग्वेज की है, प्री डिक्रीमेंट की बात करेंगे। प्री इंक्रीमेंट की बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहां से फाइल पर चलता हूं, एक प्रोग्राम देखेंगे उसके जरिए समझेंगे। फाइल पे जाकर के न्यू फाइल ले लिया। अब सी लैंग्वेज है तो हेडर फाइल आएगी हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। और फिर यहां पे मेन फंक्शन बना लिया हमने, इंट मेन कर दिया और फिर एंटर प्रेस करके नीचे आए और यहां पे ओपन कर लिया कर्ली ब्रैकेट को और यहां पे कर देता हूं इंट और एक वेरिएबल बना लेता हूं a इज इक्वल टू यहां पे क्या कर देता हूं, यहां पे करता हूं मैं 10, ठीक है। ये 10 कर दिया हमने, टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद यहां पे देंगे प्रिंट एफ, क्योंकि सी लैंग्वेज है तो प्रिंट एफ ही लिखना होगा। तो लिखते हैं द वैल्यू ऑफ डिक्रीमेंट इज। अब यहां पे ए को प्रिंट करवा देते हैं और इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। और फिर जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पे लगा लेंगे वाइल लूप। तो ये वाइल लगा लिया, पहले ही डिक्रीमेंट कर लेते हैं तो माइनस माइनस ए कर देते हैं, ठीक है। और माइनस माइनस ए करने के बाद लेस देन 5 कर देते हैं या लेस देन 6 कर देते हैं, इस तरह से कुछ कर देते हैं, 6 कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेस देन 6 कर दिया और तो यहां पे देख सकते हैं माइनस माइनस ए इज ग्रेटर देन 6 कर दिया है मैंने। एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है तो कर्ली ब्रैकेट से बना दीजिए, फिर यहां पे प्रिंट करवा दीजिए। यहां लिखिए प्रिंट एफ और प्रिंट एफ लिखने के बाद फिर यहां पर परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी दे दिया हमने और बैकस्लैश टी लगा दिया, ठीक है। बैकस्लैश टी लगाने के बाद ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, डबल इंटेड कॉमा को कर दिया क्लोज और यहां पर ए दे दिया, ए को ही प्रिंट करवाना है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर नीचे आएंगे, जो कर्ली ब्रैकेट था उसको क्लोज करके नीचे आइए और रिटर्न जीरो दे दीजिए और रिटर्न जीरो देने के बाद इसको टर्मिनेट करके और यहाँ पे इसको क्लोज कीजिए और फिर यहाँ पे जाके फाइल पे इसको सेव कीजिए। तो यहाँ से सेव कर देता हूँ hh.c नाम से, किसी भी नाम से बिल्ड पे जा सकते हैं और यहाँ से कंपाइल करवा सकते हैं इसको। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया और फिर रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले 9 प्रिंट हो रहा है, फिर 8 प्रिंट हो रहा है, फिर 7 प्रिंट हो रहा है, कुछ इस तरीके से ये प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें कुछ हम चेंजिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे 10 लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 20 कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा ये 20 कर दिया और अब इसको सेव करता हूं यहां से, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहां से बिल्ड पे जाके इसको कंपाइल करवाता हूं और फिर बिल्ड पे जाके इसको रन करवाता हूं तो आप देख सकते हैं कि पहले 19 प्रिंट हो रहा है, यानी कि डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है, फिर 18 है, फिर 17, 16, 15, 14, 13, इस तरह से करके 7 तक ये डिक्रीमेंट होता हुआ आया हुआ है। तो इसे कहते हैं प्री डिक्रीमेंट। देखिए यहां पे प्री का मतलब होता है पहले ही, तो यहां वाइल लूप में ही पहले डिक्रीमेंट करा दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। इस तरह का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये प्रोग्राम चलेगा भी और कुछ इस तरह से चीजें प्रिंट होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।